कुछ ही समय में हम सब के नायक इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के लाडले सपूत माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मंच पर आगमन होने वाला है। आप सब लोगों का जो जोश और उत्साह है, माननीय रामलाल जी का हम स्वागत करते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी और हम सब के नायक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एक बार जोर से भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व यहां पर उपस्थित है। एक बार जोर से भारत माता के, भारत माता के। मैं आपके इस भारतीय जनता पार्टी के विजय के उपलक्ष्य में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि वे पुष्पगुच्छ के द्वारा हम सबके नेता इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत करें। जोरदार एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से हम सब स्वागत करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ संसदीय बोर्ड के नेताओं से मैं निवेदन करूंगा कि आज गुजरात और हिमाचल में पार्टी को एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। सभी संसदीय बोर्ड के हमारे वरिष्ठ नेतागण से निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का माल्यार्पण के द्वारा एक माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से जो एक पार्टी को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। सभी पार्टी के वरिष्ठ हमारे संसदीय बोर्ड के सदस्य माननीय राजनाथ जी, माननीय सुषमा जी, माननीय अरुण जेटली जी, माननीय अनंत कुमार जी, माननीय थावरचंद जी, माननीय रामलाल जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। भारत माता के, भारत माता के। मित्रों, आज पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए हर्ष और गौरव का अवसर है कि 2014 के बाद जो लोकसभा के चुनाव के बाद विभिन्न आप सबके जो जोश और उत्साह है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से नारा लगाइए, भारत माता के, भारत माता के। हम सबके बीच में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी को मैं हम सब कार्यकर्ताओं के जो प्रेरणा के स्रोत हैं और लगातार पार्टी को जो चुनाव की विजय मिली है उस सबके रणनीतिकार हैं माननीय अमित शाह जी को निवेदन करूंगा, कृपया आए और कार्यकर्ताओं का संबोधन करें माननीय अमित शाह जी। भारत माता की। कहते नायक जरा जोर से बोलिए, ओ भैया, हिमाचल की पहाड़ियों से लेकर गुजरात के सागर तट तक जाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यगण और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए
भारतीय जनता पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज हम सब जब गुजरात और हिमाचल के विजय उत्सव के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो मैं सबसे पहले पार्टी की ओर से गुजरात और हिमाचल की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं और पार्टी की ओर से मोदी की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अरे भैया पांच मिनट चुन लो, आ जाएंगे पांच मिनट चुन लो। अरे भाई हिमाचल की और गुजरात की जनता का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। मित्रों ये जो विजय हुई है मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल और गुजरात में एक और अकेले विकास यात्रा और विजय यात्रा जो चली है वो दो कदम आगे बढ़ी है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस वक्त देश में भारतीय जनता पार्टी की 6 सरकारें थी और 5 मुख्यमंत्री थे और आज 19 सरकारें बनने जा रही है और 14 मुख्यमंत्री बने हैं। 1990 से गुजरात के अंदर 1990 से एक भी विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारी थी और जब से 2001 से मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने गुजरात की विकास यात्रा चल पड़ी। गुजरात होकर पूरे भारत का भ्रमण करकर हिमाचल और गुजरात की और इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ गुजरात में और 2/3 बहुमत के साथ हिमाचल में हमने जीत पाई है। मित्रों गुजरात में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जातिवाद का जहर फैलाना चाहा, जिस प्रकार से नीचे ले जाने का प्रयास किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी जिस प्रकार के ओछे शब्दों का प्रयास किया उसके बावजूद भी गुजरात की जीत मैं मानता हूं गुजरात की जनता का श्री नरेंद्र मोदी में भरोसा कितना है उसको दर्शाती है। मित्रों हिमाचल के अंदर 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है और हिमाचल सरकार के जो भ्रष्टाचारी शासन था उसके खिलाफ ये हिमाचल की जनता का बहुत बड़ा मैंडेट है। मित्रों ये विकास यात्रा हमारी अभी ठहरने नहीं वाली है। त्रिपुरा मेघालय मिजोरम और कर्नाटक में भी 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने जा रही है। मित्रों 2019 तक मोदी जी की विकास यात्रा मोदी जी की विजय यात्रा 2019 के आम चुनाव के अंदर भी प्रचंड विजय प्राप्त कर 2022 के अंदर नए भारत का न्यू इंडिया का जो मोदी जी का स्वप्न है उसको सिद्ध करेगी। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की शुभकामनाएं और परिश्रम के लिए मैं पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं और फिर से एक बार हिमाचल और गुजरात की जनता का धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। अब मैं आप सबकी ओर से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित करता हूं कि यहां आए और हम सबको संबोधित करें। ओए!
जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह। अरे यार मोबाइल नीचे कर लो यार, मोबाइल नीचे कर लो। मन पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण मोबाइल और विशाल संख्या में पधारे हुए विजयोत्सव में खुशियों में डूबे हुए आप सभी कार्यकर्ता। ओए क्या मिल रहा है तेरे मोबाइल में? ओए इसका ये ओए ओए गंजे। मैं सबसे पहले गुजरात और हिमाचल की जनता को शत शत नमन करता हूं कि उन्होंने विकास के रास्ते को चुना, विकास के मार्ग से ही जन सामान्य की समस्याओं का समाधान होगा। भाई साहब नीचे कर लो यार, कहीं भी से। और आज नीचे कर लो, आप तो पढ़े लिखे हो। वैश्विक स्पर्धा के युग में भारत को अगर आगे जाना है तो भारत ने भी विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना ही होगा। हीरो, जब उत्तर प्रदेश में महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत के चुनाव चल रहे थे, ओ भैया हीरो, जोर शोर से कहा जा रहा था तुम्हारे चक्कर में सारे काम खराब हो रहा है। नीचे जाओ। उत्तर प्रदेश के शहरों में भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। गुजरात के चुनाव के पहले भी इसी प्रकार की अफवाहों का जोर था। पिछले दिनों महाराष्ट्र में भी जीएसटी के बाद स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उन चुनावों में भी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला। मैं देश आने वाले देश के बुद्धिजीवियों से आग्रह करता हूं कि हम जो यहां बैठ करके देश के सामान्य मानवी का आकलन करते हैं और हम गलत दिशा में चले जाते हैं, उससे इस प्रकार से सोचने वालों का भला नहीं होता है। जिस क्षेत्र और जनता के लिए सोचा जाता है उनका भला नहीं होता है और देश का तो पारावार नुकसान होता है। इन सभी चुनाव नतीजों ने एक बात सिद्ध कर दी है कि देश रिफॉर्म के लिए तैयार है, परफॉर्म करने वाली हर बात को पॉजिटिव देख रहा है और ट्रांसफॉर्म होने के संबंध में भरपूर विश्वास रखती है, ये चुनाव लगातार दिखा रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव, अरे नीचे हो जा भाई, अरे नीचे हो जा, सरकार के काम का लेखा जोखा होते। आज देश में खास करके मिडिल क्लास का एस्पिरेशन इतना बड़ा हुआ है, उसकी इतनी अपेक्षाएं बढ़ी हुई हैं, जल्दी से जल्दी अपेक्षाएं पूरी हो ये स्वाभाविक इसके मन में है। पहले की सरकारों के पास
के सामान्य मानवी के मन में आशा अपेक्षाएं नहीं थी। चलो भाई गुजारा कर ले, जैसा है वैसा चला ले, वो भी एक युग था। आज का समय हर पल देश का सामान्य मानवी नई आशाएं, नई अपेक्षाएं, नई आकांक्षाएं, नए सपने लेकर के चल रहा है। भाई बहनों, उत्तर हिमाचल प्रदेश ने जिस प्रकार से नतीजे दिखाए वो इस बात को सबूत देते हैं कि अगर आप विकास नहीं करते हैं, अगर आप गलत कामों में उलझे हुए हैं, गलत काम आपकी प्राथमिकता है, अरे हो जा भाई नीचे, तो 5 साल के बाद जनता आपको स्वीकार नहीं करती। हिमाचल प्रदेश की जनता ने पॉजिटिव वोट दिया है, विकास के लिए वोट दिया है। गुजरात के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ये अभूतपूर्व चुनाव है। आज के वातावरण में अगर कोई सरकार 5 साल के बाद दोबारा जीत करके आ जाए तो उसका जीतना ही एक बहुत बड़े विजय के रूप में हिंदुस्तान में एडिटोरियल लिखे जाते हैं। किसी सरकार का दोबारा जीतना ये भारत के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक बहुत बड़ी घटना के रूप में पिछले 30 साल से लगातार देखा जा रहा है। गुजरात एक अपवाद है। 89 में गुजरात 12 लोकसभा चुनाव लड़ रहा है और 12 में से 12 जीतता है। बीजेपी 90 सीट पर लड़ रही है और हमारे साथी दल था चिमन भाई पटेल का, नीचे हो जा, वे 90 से ज्यादा सीट पर लड़ते थे, उनको 70 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटें मिली। 95 में चुनाव आया, हमने 90 में सरकार बनाई, बाद में कांग्रेस ने तोड़ फोड़ करके चिमन भाई के साथ सरकार बना ली। 95 में भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव लड़ी, 127 सीट पर भारतीय 121 सीट पर भारतीय जनता पार्टी दो के है बहुमत के साथ जीती। 98 में जीते, 2002 में जीते, 2007 में जीते, 2012 में जीते, हर लोकसभा जीते, हर विधानसभा जीते। भाई बहनों, लगातार इतनी जीत और सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर जीत, ये हिंदुस्तान की राजनीति में एक नई दिशा दिखाने वाली एक सच्चाई है जो गुजरात की जनता ने मोहर लगा करके उसको अनुमति दे दी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से
गुजरात के चुनाव का विजय एक डबल खुशी का विजय है। ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए खुशी का विषय है, क्योंकि आमतौर पर लंबे अरसे तक जो व्यक्ति मुखिया रहा हो उसके वहां से हटने के बाद गिरावट आने की चर्चा होती है, सबको असंभव लगता है, तुलना होती रहती है, कहां मोदी थे कहां ये हैं, डिमोरलाइज करने का लगातार प्रयास होता है। लेकिन आज मेरे लिए खुशी है कि 3-3.5 साल पहले गुजरात छोड़ने के बाद गुजरात के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से गुजरात को संभाला है, जिस प्रकार से नेतृत्व लिया है, ये मेरे लिए डबल खुशी का माहौल है कि मेरे जाने के बाद मेरे साथी गुजरात का विकास करने में कोई कमी नहीं रखी। ओ भैया, और इसलिए मैं गुजरात बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हृदय से विशेष बधाई भी देना चाहूंगा। मैं गुजरात की जनता को भी अनुरोध करना चाहता हूं, चारों तरफ से हमले हो रहे थे, अपप्रचार की आंधी चली थी, कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ दिखती थी कि मैदान में है, लेकिन उसके सिवाय इतनी ताकतें लगी हुई थी कि एक बार गुजरात में गिरा दो। कैसे कैसे षड्यंत्र किए गए, कैसी कैसी चालाकियां की गई, विकास के संबंध में राजी नाराजी तो हो सकती है, लेकिन कोई विकास की मजाक उड़ाए ये कभी हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में होता नहीं। मैं जानता हूं जब से एग्जिट पोल आया तब से कुछ लोग इतने परेशान थे कि ये गुजरात तो बीजेपी फिर से जीत जा रही है, तो उस जीत के आनंद को कम करने के लिए कौन सी चीजें की जाए, उसके लिए पिछले 3 दिन से आपने देखा होगा बड़ी भरपूर तैयारियां चल रही है। भाइयों बहनों, हर एक के अपने विचार हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पराजय से आनंद होने वाले लोगों की संख्या हो सकती है, लेकिन अगर लोकतंत्र तरीके से अगर एक दल लगातार विजयी हो रहा है, विकास के मुद्दे पर विजयी हो रहा है, तो कभी न कभी इस सच्चाई को स्वीकार करने का साहस ऐसे हमारे सभी मित्र रखेंगे, इतनी आशा करना गलत नहीं होगा। भाइयों बहनों, हमारे देश में लगातार चुनाव आते रहते हैं, चुनाव को एक नए रंग रूप से रंगा जाता है।
सच्चाई ये है कि 2014 मई में लोकसभा के चुनाव के बाद इस देश में विकास का एक माहौल बना है, विकास की भूख जगी है, सरकारों की प्रायोरिटी विकास बनता चला गया है। भाजपा आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन देश को विकास के रास्ते से डिरेल करने की हरकतें कृपा करके मत कीजिए। क्या बात है? जिस दिन बीजेपी हार जाए आप महीने पर जश्न मनाइए, देश का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन देश जब विकास के मंत्र को लेकर के साथ और सहयोग दे रहा है तो मैं देश के सभी लोगों से यही कहूंगा कि अवसर आया है, एक ऐसी सरकार है जिसमें निर्णय लेने की ताकत है, एक ऐसी सरकार है जिसकी नीयत में कोई खोट नहीं है, एक ऐसी सरकार है जिसकी नीतियां साफ सुथरा है, एक ऐसी सरकार है जो कलेक्टिव लीडरशिप को लेकर के चलती है, एक ऐसी सरकार है जो भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ ताकत देने में अपनी पूरी शक्ति लगा रही है। सबका साथ सबका विकास यही मंत्र लेकर के चले हैं, और ये विजय जो है ये विजय इसी बात को जनता की मोहर लग गई है। मैं आज यहां से विशेष रूप से गुजरात के नागरिकों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं, 30 साल के बाद 30 साल पहले गुजरात में जातिवाद का जहर इतना घोर जहनों में डाल दिया गया था, उस जहर को निकालते निकालते मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के 30 साल खप गए हैं, 30 साल। तब जाकर के गुजरात से वो जातिवाद के जहर से मुक्ति मिली, सबका साथ सबका विकास और विकास की दिशा में आगे चले, जहां है वहां से आगे चले, कुछ बाकी है तो जल्दी से जल्दी करने का पूरा प्रयास करें, इसी भाव से गुजरात चला। लेकिन सत्ता भूख के कारण इस चुनाव में कुछ लोगों ने, मैं आज यहां किसी की आलोचना करने नहीं आया, लेकिन मैं गुजरात को कहना चाहता हूं, पिछले कुछ महीनों में फिर से एक बार जातिवाद के बीज बोने के जो प्रयास हुए हैं, जिसको गुजरात की जनता ने नकार दिया है, इसलिए वो अभिनंदन के पात्र है। लेकिन गुजरात की जनता को पहले से ज्यादा अधिक जागरूक होना पड़ेगा। गुजरात का मंत्र है सबका साथ सबका विकास,
मैं गुजरात के लोगों से इस विजय के बाद भी आपने हमें इतने आशीर्वाद दिए, उसके बाद भी मैं ये कहने का साहस कर रहा हूं कि मेरे प्यारे गुजरात के भाइयों बहनों, 6.5 करोड़ गुजराती एक है, नेक है और आगे बढ़ने का विश्वास लेकर के चलने वाले लोग हैं। जो हुआ उसे छोड़ दो, जिसने किया उसे भूल जाओ और फिर से उस एकता के बंधन में बंध जाए, हर एक को गले लगाए। एक भी भाई हमसे अलग नहीं हो सकता है, एक भी हमारा गुजराती हमसे अलग नहीं हो सकता है। आओ फिर से मिलजुल करके, बीते कुछ महीनों में कुछ लोगों ने अपने खेल खेले, आपने उसे सफल नहीं होने दिया, लेकिन आगे हुई वो अपनी हरकतें छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए एकता का मंत्र लेकर के समाज के बीच में एकता, भाईचारा और मजबूत हो, सभी समाज मिलकर के चले, क्योंकि गुजरात अकेला गुजरात नहीं है, गुजरात के विकास का लाभ देश को भी बहुत मिलता है। देश के विकास के लिए भी राज्यों का विकास आवश्यक है और गुजरात जैसे राज्यों की जिम्मेवारी ज्यादा है। देश के विकास में गुजरात पीछे न रहे, जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था उससे भी डबल तेजी से आगे बढ़े, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे, सामाजिक एकता को और मजबूत बनाए और सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़े। मैं फिर एक बार मेहनत करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता है। ये विजय सामान्य नहीं, ये असामान्य विजय है। हर राजनीतिक तराजू पर ये विजय असामान्य है और इस असामान्य विजय को प्राप्त करने में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओ भैया, एक मेहनत अध्यक्ष, एक रणनीतिकार अध्यक्ष, हर कार्यकर्ता की शक्ति को पहचान करके उस शक्ति को कार्य में जोड़ने वाले अध्यक्ष, उनके इन प्रयासों के कारण भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जी जान से जुड़ते रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हमारी विजय यात्रा चलती रही है। लगातार 30 साल 89 से लगातार विजय होना एक राज्य में, वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। कोई कितना ही कोशिश करे, भारतीय जनता पार्टी के विजय को जो लोग स्वीकार ही नहीं सकते, उनके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। ओ भाई जी, जो हम विजय का विश्वास लेकर के, न्यू इंडिया के सपने को लेकर के, 2022 आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के लिए जिन महापुरुषों ने सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपनी जिंदगी खपानी, हमें वो सौभाग्य नहीं मिला कि आजादी के जंग में देश के लिए मरने का हमें सौभाग्य नहीं मिला। हम आजादी के बाद पैदा हुए लेकिन आजादी के लिए मरने का भले सौभाग्य न मिला हो, लेकिन आजाद भारत को भव्य भारत बनाने के लिए जीने का हमें, जी जान से जुटने का, जी जान से जूझने का
हमें अवसर मिला है, उस अवसर को हमने खोना नहीं चाहिए और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के सपनों को लेकर के चले, इसी एक भावना के साथ आप सबको भी बधाई, देश के लाखों कार्यकर्ताओं को बधाई, गुजरात और हिमाचल के नागरिकों को बधाई, उनका अभिनंदन, उनका धन्यवाद, सभी कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं आपसे एक नारा बुलवाता हूं, मैं कहूंगा ओ भैया नीचे हो जा, जीतेगा मैं जीतेगा, आप कहेंगे विकास ही जीतेगा, जीतेगा मैं 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 जीतेगा। विकास ही हमारा मंत्र है, विकास के लिए आगे बढ़ना है, देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बड़ा संख्या भाई।